बार सवाल प्रश्न आ रहे हैं इसके भाई जयंती के, इंदिरा गांधी नहर परियोजना क्या है? देखिए राजस्थान में क्षेत्र जिसका नाम बीकानेर, बीकानेर के शासक थे जिनका नाम था गंगा सिंह। अब गंगा सिंह का एक सपना था कि इस मरुस्थलीय प्रदेश को क्या किया जाए, हरा भरा किया जाए। कैसा किया जाए? हरा भरा करेंगे। क्या चाहिए? पानी चाहिए, कोई बाल्टी या बोतल नहीं, नहर चाहिए। एक नदी हो तब ये मरुस्थलीय प्रदेश क्या होगा? हरा भरा होगा। अब सिचुएशन क्या थी, ये मान लो क्या है राजस्थान, ये स्थिति वर्तमान में बीकानेर की। अब नदी या तो यहां से जा रही, इस प्रकार सिंधु जा रही है, कहां है? पाकिस्तान में, ठीक, विवाद उसमें नहीं था। या इधर से आ रही है, कौन सी नदी, कौन सी आ गई, इस प्रकार से सतलज नदी आ गई, कहां गई, सॉरी चेनाब में मिलती, इस प्रकार से ल्योती है, ठीक है। अब इसके पास दो माध्यम थे, इस गंगा से ने प्रयास किया और एक पंजाब के फिरोजपुर में एक हेड जिसका नाम है हुसैनी वाला, जिसका नाम क्या है? हुसैनी वाला। हुसैनी वाला फिरोजपुर पंजाब में, वहां से नहर निकाली, उस नहर का नाम था गंग नहर। लो जी, गंग नहर राजस्थान में आई, आने के बाद इसका उद्देश्य पूरा नहीं हुआ, मरुस्थलीय प्रदेश अधिक आने के कारण इसका पानी आगे नहीं जा पाया। इस गंग नहर की लंबाई है 139 किलोमीटर और इस नहर का अंतिम छोर है शिवपुरी से गंगा नगर, यहां पे पानी आ गया, लेकिन इनकी जो उद्देश्य था पूरा नहीं हुआ। 1927 तक ये कार्य करवाया गया था, बाद में जब ये वापिस आए लौटते हुए, यहाँ क्षेत्र था इसका नाम श्री गंगा नगर करके, वापिस बीकानेर आ गए थे, नहीं उद्देश्य पूरा होता। उद्देश्य था कि बीकानेर को क्या करूं, हरा भरा करूं, इस प्रदेश को क्या करूं, हरा भरा करूं। अब गंगा सिंह के बाद में यहां शासक आए, उनका नाम था शार्दुल सिंह। क्या नाम था? शार्दुल सिंह। अब शार्दुल सिंह का उद्देश्य बना, जो कार्य मेरे पूर्वज नहीं कर पाए वो कार्य कौन पूरा करके दिखाएगा, अब शार्दुल सिंह करके दिखाएंगे। देश आजाद हुआ, कब हुआ? 47 में हुआ, 47 के अंदर। पंजाब के एक इंजीनियर थे जिनका नाम था श्री कमल सेन। क्या नाम था? श्री कमल सेन। देखो इतिहास में कहीं सेन का नाम नहीं आता, लेकिन यहाँ सेन का नाम जरूर आता है। नाम था श्री कमल सेन। अब कमल सेन बोलते कहाँ थे? पंजाब के सिंचाई इंजीनियर थे। कहाँ लिए? बीकानेर। कहाँ लिए? बीकानेर। बीकानेर श्री कमल सेन को लेकर आगे आने के बाद बीकानेर को देखा, कह जी यहाँ पर नहर जानी है, इसको हरा भरा करना है, किसी तरीके से किया जाए, आप बताओ कैसे इसको हरा भरा किया जाए। ठीक है जी, करेंगे कोने को सिस्टम। इन्होंने श्री कंवर सेन ने एक पुस्तक लिखी 1948 में, बीकानेर राज्य को पानी की आवश्यकता। पुस्तक का नाम क्या था? बीकानेर राज्य को पानी की आवश्यकता। पुस्तक लिखी, पानी कहां से दिया जाएगा बताओ जी, कह सतलज नदी रही वहां से दे दो, यदि इतना पानी राजस्थान को दे दिया जाए बड़ी मात्रा में पानी, तो पंजाब वाले क्या करेंगे? यहाँ पर आगे हेड है ना, आगे और भी नहरें हैं, वहां पानी कैसे दिया जाएगा, तो क्या करेंगे यहाँ पर? तब क्या हुआ, सतलज नदी में फिरोजपुर में एक स्थान जिसका नाम हरी का बैराज, जिसका नाम क्या है? हरी का बैराज। सारा कुछ देखा गया, देखने के बाद 1952 में एक बांध बनाया गया सतलज नदी पर जिसका नाम था हरी का बैराज। राजस्थान को पानी कहां से दे, कोई पाइप लाइन डाल दे, कोई इस बांध तो बनाए दे। इस उद्देश्य से इस हरी के बैराज में दो नदियों का संगम है, सतलज में मिलती है ब्यास नदी, रोहतांग दर्रे से आती है, कौन सी? ब्यास नदी। जहां पर दोनों का संगम स्थल, वहां एक बांध बनाया गया जिसका नाम था हरी के बैराज बांध।
बांध बनवा दिया। अब बांध बनवा दिया गया, 53 में मंजूरी मिल गई। चलो अभी अब आगे किया जाए। अब राजस्थान को नहर देने की योजना दी गई कि राजस्थान को नहर राजस्थान को पानी दिया जाए। 1958 में नहर का कार्य हुआ शुरू। कब हुआ? 1958 में कार्य शुरू हुआ। अब जब राजस्थान में नहर आई तो लोगों में नहीं आशा था कि राजस्थान में पानी की नहर आ रही थी। लोगों में बड़े उत्साह था कि नहर आ रही है और इस नहर के आज भी बड़े कुछ नाम है। इसे कहा जाता है लाइफ लाइन ऑफ राजस्थान। क्या बोलते हैं इसको? लाइफ लाइन ऑफ राजस्थान। हाँ, लाइफ लाइन ऑफ राजस्थान, राजस्थान की जीवन रेखा। आप सभी की कोई जीवन रेखा होगी और राजस्थान की जीवन रेखा क्या है? लाइफ लाइन ऑफ राजस्थान किसको कहेंगे? IGNP को, राजस्थान नहर भी कहेंगे। 1958 से लेकर 1975 तक इस नहर का कार्य हुआ प्रथम चरण में। टोटल इस नहर का कार्य दो चरणों में पूरा हुआ। पहला चरण था वो था 1958 से लेकर 1975 तक का टाइम था। दूसरा चरण कंफ्यूज करेगा, देखो कैसे नहीं करेगा। 1973 से 1986, अब दो साल बड़ा चक्कर आ रहा है इसमें, इसको भी पूरा कर देंगे। हरी के प्रयास से नहर निकाल दी, नहर निकाल दी, आगे नहर लो जी, नहर आ गई। नहर आने के बाद अब हनुमानगढ़ में प्रवेश करती है। ये टिब्बी तहसील से प्रवेश किया। यहाँ इस पे एक हेड बना हुआ है, उस हेड का नाम है मसीता वाली हेड। कौन सा हेड है? मसीता वाली। मसीता वाली हेड कहाँ बना हुआ है? हनुमानगढ़ में, टिब्बी हनुमानगढ़ में, मसीता वाली गांव के अंदर ही हेड बना हुआ है। क्लियर? कहां से आई? हरी के बिराज फिरोजपुर पंजाब से आई। लो जी हनुमानगढ़ में आ गई, मसीता वाली गांव की भी डिसन में पड़ता है ये। लो जी आपकी नहर होगी। इसके बाद पानी पहुंचा दिया गया आगे, श्री गंगानगर होता हुआ हनुमानगढ़ में से होता हुआ, इस प्रकार से लो जी पानी आगे पहुंचा दिया गया। बीकानेर में प्रवेश किया। बीकानेर में एक स्थान जिसका नाम है सत्तासर, पुगल के पास स्थान पड़ता है जिसका नाम क्या है? सत्तासर। कहां है सत्तासर? ये बीकानेर। प्रथम चरण में जो काम हुआ, हरि के बिराज से लेकर सत्तासर तक काम हुआ, नहर का उद्देश्य क्या था? बीकानेर क्षेत्र को पानी पहुंचाना, बीकानेर को पानी पहुंचाने का उद्देश्य था। लेकिन अब जितनी उम्मीद नहीं थी उस उम्मीद से पानी दोगुना पहुंच गया। लोगों में बड़ा उत्साह हुआ, ऐसे कर्मों के कार्य यहां पर लगे कि जितनी उम्मीद थी उस उम्मीद से दोगुना पानी यहां पहुंच गया बीकानेर में। तो क्या किया जाए? पानी बहुत आ गया, दोगुना नहीं, पानी अधिक आ गया, तो क्या किया जाए? आगे पहुंचा दिया जाए, पानी आगे देने का प्रस्ताव दे दिया गया। अब आप कंफ्यूज हो रहे ना कि प्रथम चरण 1958 से 75 है, दूसरा चरण 73 से 86 है। पानी पहले पहुंचा दिया गया यहाँ पर, लेकिन अभी थोड़ी पानी पहुंच गया तो सारा काम ही हो गया। नहर की पटड़ी बनेगी, नहर पे रंग रोगन का कार्य भी होगा, पुल भी बनेंगे। कार्य प्रथम चरण का चल ही रहा था, लेकिन 73 तक यहाँ पानी पहुंचा दिया गया और आगे पानी का प्रस्ताव दे दिया गया। अब स्थान कौन सा हुआ? अब यहाँ सत्तासर से नहर आगे गई, बीकानेर गई, बीकानेर के बाद में जैसलमेर प्रवेश किया। यहाँ एक स्थान जिसका नाम है जैसलमेर में मोहनगढ़, जिसका नाम क्या है? मोहनगढ़ जैसलमेर तक इसका पानी पहुंचा दिया गया। ठीक है, और IGNP आज मुख्य नहर सिर्फ यहीं तक ही है। कहां तक है? यहाँ मोहनगढ़ जैसलमेर तक नहर है। लेकिन इसकी आगे शाखा जाती है, क्या जाती है आगे एक शाखा जाती है बाड़मेर को। पहले उसका नाम था बतुल्ला खान शाखा, लेकिन अब इसको बोलते हैं बाबा रामदेव उप शाखा। और इसका जो अंतिम छोर है इसको कहा जाता है कटरा रोड। ठीक है कहां? यहां पर बाड़मेर में। देखो इसके लिए प्रश्न होता है, दक्षिणी भाग से एक नदी नहर आती है जिसका नाम है नर्मदा नहर, इस प्रकार से आई। आप पूछ ले दक्षिणी परियोजना तथा उत्तरी परियोजना का विलय किस जिले में होता है? देखो ये नर्मदा नहर राजस्थान की दो जिलों में सिंचाई आपूर्ति करती है। कितने जिलों में? दो जिलों में। किधर से आई? जालौर बाड़मेर में सिंचाई आपूर्ति की। ठीक है, और ये कहां तक की? बाड़मेर तक की। तो दो जिले बराबर होंगे ना, ये बाड़मेर में, ये भी बाड़मेर में। इस प्रकार से नर्मदा नहर भी आपकी महत्वपूर्ण है। साफ करने बात करेंगे नर्मदा की। अब देखिए आगे कितने चरण थे? दो चरण थे। पहले एक टाइम कितना था? 58 से
से जेतर था और दूसरे चित्र का टाइम था यदि जेतर से छियासी तक का दूसरे चित्र का टाइम था। क्लियर? कोई समस्या नहीं। पहले चरण में कार्य करवा दिया गया, कहां तक? 77 तक करवा दिया गया था। उम्मीद से इसका पानी दोगुना पहुंच गया। अरे यहां पर क्या हुआ, यहां पर पानी अधिक पहुंच गया और मोर से पानी अधिक पहुंचा, फिर इसका पानी आगे बाड़मेर तक दे दिया गया था। ये आईजीएन पे के पानी के बारे में विशेष बातें थी। काम चलता गया, चलता गया। मसीता वाली हेड, अब इसकी बात कर लेते हैं अपने। एक एक डेट आती है, एक तारीख 1958 की। देखिए 31 मार्च 1958 को इस नहर में पानी छोड़ दिया गया था। कब छोड़ा गया था? 31 मार्च 1958 को इसमें काम शुरू हो गया था, पानी छोड़ दिया गया था। अब देखते हैं आगे किस तरीके से पानी पहुंचा। एक डेट आपको याद करनी पड़ेगी, 11 अक्टूबर 1961। 11 अक्टूबर 1961 को नोरदेशन से इसकी प्रथम शाखा निकाली गई, जिसका नाम था एनडीआर शाखा। इसको बोलते हैं नोरदेशन वितरिका। इसका उद्घाटन करने वाले थे, उद्घाटन करने आए थे, उनका नाम था तत्कालीन उपराष्ट्रपति थे। कौन थे? तत्कालीन उपराष्ट्रपति थे। क्या नाम था? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। जो जी सर्वपल्ली राधाकृष्णन। क्लियर है? अब ये व्यक्ति यहां पर आए, आज इन व्यक्ति को जाना जाता है किसके रूप में? एक शिक्षक के रूप में। 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाया जाता है, जिनकी याद मनाया जाता है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की याद में मनाया जाता है। ठीक है, अब इसकी भौतिक शाखा भी है और इसकी लिफ्ट नहर भी है। अब देखिए क्या विशेषता है इसकी। राजस्थान की अंतरराष्ट्रीय सीमा के समांतर कौन सी नहर चलती है? आईजीएमपी नहर इसके समांतर चलती है। इसकी फीचर्स की बात कर लेते हैं। फिर देखिए आईजीएमपी अंतरराष्ट्रीय सीमा के समांतर चलती है। एक नेशनल हाईवे की भी बात करेंगे, NH 15, लेकिन अब इसको क्या बोलते हैं? 65। NH 62 किस नहर परियोजना के समांतर चलता है? आईजीएमपी गुजरात को जाएगा, संख्या नहीं। पठानकोट से आया था, फिरोजपुर होता हुआ नहर के समांतर आगे चला गया, गुजरात संख्या नहीं हो। क्लियर है? अब ये जो आईजीएमपी नहर इस अंतरराष्ट्रीय सीमा से लगभग 40 किलोमीटर की औसतन दूरी पर स्थित है। कितने किलोमीटर की? 40 किलोमीटर की औसतन दूरी पर यह नहर स्थित है। और प्रथम चरण में इसकी एक लिफ्ट नहर बनाई गई। अब कारण क्या था लिफ्ट बनाने का? लिफ्ट का मतलब कि इस नहर का इधर बड़ा भाग पाकिस्तान वाला भाग, जो ये पाकिस्तान का हिस्सा है, और इधर वाला भाग क्या है? मरुस्थलीय प्रदेश होने के कारण क्या है? ऊंचा है, पानी आगे चढ़ता नहीं है। इस क्षेत्र में ऊंचाई पे नहर बना के लिफ्ट के माध्यम से उसमें पानी डाल दिया गया। किसके माध्यम से डाल दिया गया? लिफ्ट के माध्यम से। दो लिफ्ट लगा दी, एक लिफ्ट लगा दी, पानी डाल जाएगी, फिर दूसरी पानी डाल जाएगी। इस तरीके से लिफ्ट लगा दी गई, इनको नाम क्या दे दिया गया? लिफ्ट नहर। प्रथम चरण में 1958 से 75 वाले प्रथम चरण में एक लिफ्ट नहर का निर्माण हुआ। उस लिफ्ट नहर का नाम था लूणकर्णसर लिफ्ट नहर। क्या नाम था? लूणकर्णसर लिफ्ट नहर। लूणकर्णसर लिफ्ट नहर। लेकिन वर्तमान में इस लूणकर्णसर को बोलते हैं श्री कंवर सेन लिफ्ट नहर। और इसकी लिफ्ट नहरों में सबसे लंबी लिफ्ट नहर जिसकी लंबाई कितनी है? 151 किलोमीटर लंबाई है। देखो ना, नेक्स्ट चैप्टर में बात करेंगे कि कितनी इसकी लिफ्ट है, कितनी इसकी सीधी लहरें हैं, शाखा है। देखिए जितनी भी शाखा सारे के सारे इसके किस भाग में है? इसकी दाईं साइड में। इस साइड पे इसकी दाईं साइड में, क्योंकि इधर वाला भाग क्या है? नीचा है। कई शाखा है, सूरतगढ़ शाखा, अनूपगढ़ शाखा, ठीक है, पूगल शाखा, बिरसल शाखा, बीरबल शाखा, दातोर शाखा, ठीक है, कई शाखा इसकी तरफ जाती है। सारी सारी वो इस पाकिस्तानी गढ़ की भागों की सिंचाई आपूर्ति करती है। लेकिन एकमात्र इसकी शाखा जो बाइयों से निकलती है, कहां से निकलती है? मसीता वाली से। रावतसर तहसील, हनुमानगढ़ की तहसील है, जिसका नाम क्या है? रावतसर। इस रावतसर तहसील को जाती है, नाम ही क्या है? रावतसर उप शाखा। वो जाती है किस तरफ? रावतसर को जाती है। क्लियर?
फिर अपने लिफ्ट की बात करेंगे, जितनी भी लिफ्ट नहरें सारी के सारी बनी हुई है इसकी बाई साइड में, क्यों लिफ्ट लगे, जरूरत क्या थी, इधर वाला भाग क्या है, ऊंचा है, ऊंचाई होने के कारण साइड में लगाई गई। प्रथम चरण में कौन सी बनाई गई थी, लूणकरण सर लिफ्ट नहर, जिसे वर्तमान में क्या बोलते हैं, वर्तमान में श्री कंवर सेन लिफ्ट नहर इसे कहा जाता है। ये थी श्री कंवर सेन लिफ्ट नहर, और बाकी इतने हैं सारी सारी द्वितीय चरण के बाद ही बनाई गई। लेकिन एक विशेष बात, डेट आपको याद करनी पड़ेगी, 31 अक्टूबर 1984 भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री नाम आता है श्रीमती इंदिरा गांधी। क्या नाम आता है, श्रीमती इंदिरा गांधी। देखो भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री थी, और भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री थी, और इंदिरा गांधी जी की विशेष बात क्या थी, इनकी हत्या की गई थी कब, 31 अक्टूबर 1984 को। अपने गांधी जी की बात करें तो उनकी भी हत्या की गई थी, राजीव गांधी देखें तो उनकी भी हत्या की गई थी, और इंदिरा गांधी की बात करें तो इनकी भी हत्या की गई थी। ठीक है, और आगे देखो क्या होगा, राजस्थान में एक और दुर्घटना जानी जा दिख जाए, तो आगे मतलब क्या होगा क्या नहीं होगा, राजनीतिक मामला है, इस नहर से परे रखें, दूर कर दें। आगे देखो, इंदिरा गांधी जी की हत्या कब हुई थी, 31 अक्टूबर 1984 को हुई थी। अब दो दिन बाद देखा देश की महिला प्रधानमंत्री है, पहले इस नहर का नाम दिया गया, इसको बोलते थे राज करनाल भी बोला करते थे, या इसको राजस्थान नहर के नाम से भी जाना जाता था, इस नहर से राजस्थान नहर के नाम से भी इसे जाना जाता था। क्लियर होगा, लेकिन 2 नवंबर कब, 2 नवंबर 1984 को इसका नाम परिवर्तित करके क्या कर दिया गया, IGNP इंदिरा गांधी नहर परियोजना नाम इसका 2 नवंबर 1984 को किया गया। कब किया गया, जब भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी का सर्गवास हुआ या की हत्या हुई, उसके बाद ही इसका नाम परिवर्तित किया गया था, कर दिया परिवर्तित। अब देखो लंबाई के बारे में आपको कंफ्यूजन रहेगी, लंबाई इसका कंफ्यूजन आपको दूर कर देता हूं, ये कैसे, इस नहर की कुल लंबाई 649 किलोमीटर। देखो कैसे, उद्गम कहां से हुआ, हरी के बैराज से लेकर हनुमानगढ़ में मसीता वाली है, यहां तक इसकी लंबाई कितनी है, 204 किलोमीटर। देखो कहां से, इस हरी के बैराज से लेकर यहां मसीता वाली हेड तक लंबाई है 204 किलोमीटर, लेकिन राजस्थान में कितनी है, राजस्थान में मात्र 35 किलोमीटर इसकी लंबाई है। फिर अपने देखें राजस्थान में कितनी नहीं है, राजस्थान में 169 किलोमीटर नहीं है, वो कहां है, 169 किलोमीटर आधी तो है कहां पर, पंजाब में, आधी कहां है, हरियाणा में। पंजाब में कितनी है, पंजाब में है 150 किलोमीटर, और हरियाणा में कितनी है, मात्र 19 किलोमीटर लंबाई इसकी हरियाणा में है। और इस राजस्थान, इसको अपने बोलते हैं राजस्थान फीडर, जो नाम के बारे में विशेष ध्यान रखना भी कब कुछ फ्यूजन करेगा, हरी के बैराज से मसीता वाली हेड तक इसको बोलते हैं राजस्थान फीडर। क्या बोलते हैं इसको, राजस्थान फीडर बोलते हैं, बोल दिया फीडर। अब फीडर के बाद इस नहर को बोला जाएगा राजस्थान मुख्य नहर। क्या बोला जाएगा, राजस्थान मुख्य नहर। कभी क्वेश्चन आ गए राजस्थान मुख्य नहर का उद्गम होता है, पहला ऑप्शन होगा हरी के बैराज, नहीं करना, कहां से, मसीता वाली से। राजस्थान फीडर का उद्देश्य है राजस्थान मुख्य नहर में जलापूर्ति करना। क्या उद्देश्य है, राजस्थान मुख्य नहर में क्या करना, जलापूर्ति करना। ठीक है, आगे देखिए, अब राजस्थान मुख्य नहर कहां से, यहां से मसीता वाली हेड से सत्तासर, और सत्तासर से कहां तक, मोहनगढ़। अब अपने ये देख लें कि राजस्थान मुख्य नहर कहां से कहां तक है, मसीता वाली हेड कहां है, ये हनुमानगढ़ में, यहां से लेकर सत्तासर भी हो गया, रसा में मोहनगढ़, लो जी मोहनगढ़ जैसलमेर तक इसका टोटली नहर जो आपकी कहलाती है राजस्थान मुख्य नहर।
क्लियर। टोटल लंबाई कितनी है? 649। 649 माइनस 204 रबर की जो बची क्या होगी? वो राजस्थान मुख्य नहर होगी। इसके बाद लंबाई एड करनी पड़ेगी अपने गडरा रोड तक की, ये अलग है, ये लिखने में बताई जाएगी। अब यहां देखिए राजस्थान मुख्य नहर यहां विचारधारा क्या है, इस सीतामढ़ी हेड से लेकर सत्तासर तक की बात करें, सत्तासर तक लंबाई है 189 किलोमीटर। कितनी है? 189 किलोमीटर। फिर अपने यहां देखें सत्तासर से लेकर, कहां से कहां लेकर? सत्तासर से लेकर मोहनगढ़ तक की लंबाई कितनी है? आपको दोबारा बता देता हूं ताकि आपको कंफ्यूजन न रहे, बिल्कुल भी। देखिएगा सबसे पहले क्या था? हरि के बैराज था। हरि के बैराज से मसीतावाली है टोटल कितनी है? 204। ठीक है, मसीतावाली हेड से लेकर लो जी आपको कौन सा आगे गांव? सत्तासर। सत्तासर तक कितनी है? 189 किलोमीटर। लो जी फिर अपने बात करेंगे सत्तासर, सत्तासर से लेकर जैसलमेर में कौन सा स्थान था? मोहनगढ़। लो जी मोहनगढ़ तक लंबाई यहां कितनी? 256। राजस्थान फेडरल की कितनी है? 204। राजस्थान मुख्य नहर कितनी है? 256 प्लस 189, ये राजस्थान मुख्य नहर की लंबाई है। क्लियर है, कोई समस्या नहीं। एक बात और देख लो, देखिए इस क्षेत्र में यहां पर एक मरु उद्यान फैला हुआ है, इस देश का एकमात्र ऐसा उद्यान जो मरुस्थल का सबसे बड़ा। देखो थार मरुस्थल में दो अभयारण्य आते हैं बड़े, एक का नाम तो राष्ट्रीय मरु उद्यान, एक ताल छापर। लेकिन राजस्थान का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान जिसका नाम आता है राष्ट्रीय मरु उद्यान, क्या नाम आता है? राष्ट्रीय मरु उद्यान। टोटल क्षेत्रफल 3162 वर्ग किलोमीटर है। दो जिलों में, कितने जिलों में? दो जिलों में। कौन कौन से? जैसलमेर प्लस बाड़मेर में फैला हुआ है। देखिए 1900 वर्ग किलोमीटर एरिया है जैसलमेर में, और बचा कितना? कितना? 1262 वर्ग किलोमीटर एरिया है, वो कहां है? बाड़मेर में। अब इस राष्ट्रीय मरु उद्यान में सर्वाधिक पाए जाते हैं गोंडा, पीवनासर, कई प्रकार की घास पाई जाती है, सेवन है, मुराग है, तरड है, धामन है, ऐसी ऐसी घासें यहां पाई जाती है। लेकिन राजस्थान का राज्य पक्षी गोंडावन, इसे माल मोरनी कहा जाता है, सोम चिड़िया कहा जाता है। राजस्थान में तीन जगह पाई जाती है, सोरसन बारा में, सोखनिया अजमेर में, सोखनिया गांव है अजमेर में, ठीक अखेट विशिष्ट क्षेत्र, ठीक है, सोरसन बारा भी अखेट विशिष्ट क्षेत्र। राजस्थान में टोटल 33 अखेट निजी क्षेत्र है। राजस्थान में जिले भी कितने हैं? 33। अखेट निजी क्षेत्र भी कितने हैं? 33। राष्ट्रीय मरु उद्यान क्या है? अभयारण्य, नाम ही राष्ट्रीय मरु, क्योंकि मरु जो है ना ये राष्ट्र का मरु है, ठीक है, डेजर्ट, थार डेजर्ट जो है राष्ट्रीय मरु है, राष्ट्रीय मरु में होने का इसको बोलते हैं राष्ट्रीय मरु उद्यान। इसका एक गांव है तुमने जिसका नाम है आकल गांव, आकल गांव प्राचीनतम यहाँ फॉसिल्स मिले हैं, गुड फॉसिल्स नाम पार्क भी बना हुआ आकल गुड फॉसिल्स पार्क, वो भी यहाँ इसी में है। राष्ट्रीय मरु उद्यान में जलापूर्ति कौन सी नहर करती है? आईजीएनपी नहर करती है। अब अपने बात करेंगे आईजीएनपी की लिफ्ट नहरों की, वह इसकी सहायक नहरें कौन कौन सी हैं वो अपने करेंगे